कब से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब इंटरनेट में व्यापार करने की सुविधा जो है वो शुरू हुई। ई कॉमर्स एक प्रकार से व्यापारिक वातावरण है। ये पूरा क्या है? एक व्यापारिक वातावरण है जिसमें वस्तुओं को खरीद बिक्री और व्यवसाय आधुनिक ढंग से कर सकती है। ये पूरा एक आधुनिक ढंग से ही तो किया जाने वाला कार्य है। पहले लोग दुकान खोलते थे और प्रोडक्ट बेचते थे जिससे उनके कस्टमर लिमिटेड ही होते थे, लेकिन अब ये आधुनिक तरीके से व्यापार करने में कस्टमर इनके वर्ल्ड वाइड हो गए। किसके? जो भी प्रोडक्ट कंपनी वेबसाइट के माध्यम से बेच रही है। इसके इतिहास में ये बताया गया है कि आधुनिक ढंग से ये किया जा रहा है। 1970 में ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज तकनीक के प्रयोग करके ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ईडीआई शब्द आ रहा है बार बार, इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, मतलब जहां पर कंप्यूटर के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डेटा को शेयर किया जाए आपस में, उसको बोलते हैं ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इस तकनीक के प्रयोग करके ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके माध्यम से व्यावसायिक दस्तावेजों जैसे परचेस ऑर्डर, इनवाइस को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता था। जैसे ही हमने कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए यहाँ से ऑर्डर किया, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ही तो है जो उसके पास गया, जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है जिसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। और जैसे ही हमने वो प्रोडक्ट सेल किया, अब कंपनी एक बिल देती है, तो बिल भी वो हमको इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन हमारे ईमेल में भिजवा देती है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इंटरनेट के माध्यम से ही तो डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। एक मिनट, हेलो। हाँ, बोलो। हाँ आ गया है, देख लो ना आकर सेंटर में, तुमको नहीं पता चला? ठीक है, अभी मैं क्लास ले रहा था, फिर बताऊंगा। ठीक है, पास हो गए वैसे राहुल? हाँ, ठीक। तो ये सारी चीजें किसके माध्यम से ऑपरेट होती हैं? इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेट की जाती हैं। बाद में इसे अधिक गतिविधियों के रूप में वेब फॉर्म के नाम से जाना जाने लगा। इसका उद्देश्य गुड्स एंड प्रोडक्ट की खरीदारी WW के ऊपर HTTP सर्वर के द्वारा ई शॉपिंग कार्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाएं जो हैं शुरू हो गई थी। तो 1970 से ये सारा कार्य इंटरनेट के माध्यम से, इनवॉइस शेयर करना मतलब बिल शेयर करना, परचेस ऑर्डर मतलब क्या क्या खरीदना है वो व्यापारी को वो इंटरनेट के माध्यम से दिया जाने लगा था। लेकिन बाद में इसके लिए ऐसी वेबसाइट बनाई जाने लगी। ठीक है ना, पहले सिंपल ही डेटा ट्रांसफर होता था, फिर बाद में क्या किया जाने लगा, इस तरीके की वेबसाइट बनाने जाने लगी जिसको बोलते थे वेब फॉर्म्स। ये वेबसाइट ही है जिसको, जो कि कई प्रकार के वेब पेजेस से मिलकर के बनी है। तो इस प्रकार की वेबसाइट बनाई जाने लगी, और उन वेबसाइट में शॉपिंग कार्ट बनाए जाने लगे। शॉपिंग कार्ट का अर्थ हो गया कि जब आप कोई भी चीज, जैसे कोई भी वेबसाइट आप देखते हो तो उसमें इस तरीके का ओपन होता है, उसके बाद जैसे हम इस बटन में क्लिक करेंगे एड टू शॉपिंग कार्ट, ये चीज हमारी शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जाएगी। और वो शॉपिंग कार्ट क्या है? एक प्रकार का वो एप्लीकेशन, वो पूरी वेबसाइट का एक भाग ही है जहां पर ये पता चल जाता है आपने कौन कौन सी चीजें सेलेक्ट कर ली और उनकी टोटल प्राइस क्या आ रही है। जैसे कहीं अपन दुकान में जाते हैं और अपन ने एक बकेट ले ली, और कहीं आपने देखा होगा रिलायंस शॉप वगैरह में आपको क्या क्या लेना है, आप सिलेक्ट करते जाते हो, ठीक है, और वो ट्रॉली में सब क्या है इकट्ठा करते जाते हैं। वैसे ही यहां पर ये सिंबल ये बताता है कि आपने ये चीजें खरीद ली हैं और इनकी टोटल प्राइस इतनी हो रही है। अब आप उसको पेमेंट कर दे ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी कर दे, जब आपके पास वो चीजें आएंगी तो फिर वो आप उसका पेमेंट करना। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेबसाइट में बनाए जाने लगे जहां यूजर जो है सिलेक्ट करता था चीजों को, और जो उसको प्राइस पता चल जाता था कि टोटल ये इतने प्राइस की है। तो ये इतिहास के अंतर्गत आता है। किसका? ई कॉमर्स के इतिहास में। कंप्यूटर का प्रयोग अब प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक होने लगा है। बिजनेसमैन अपने व्यवसाय का विस्तार भी कंप्यूटर के माध्यम से करने लगे हैं। इसके प्रयोग से कम समय में अधिक से अधिक कार्य संपन्न हो जाता था तथा कोई भी सूचना बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरी दुनिया में कहीं भी भेजी जा सकती है। यह सूचना टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स इत्यादि फॉर्मेट में हो सकती है। तो अब ये बता दिया गया कि इंटरनेट इतनी तेजी से कैसे चलने लगा। इंटरनेट इतनी तेजी से चलने का कारण ये था कि जो वेबसाइट थी वो उसमें मल्टीमीडिया फाइल सपोर्ट करने लगी। मल्टीमीडिया फाइल सपोर्ट करने लगी मतलब
एक इंटरनेट में वेबसाइट बनाते समय आप उसमें ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, इमेजेस फाइल, किसी भी फाइल को दिखा सकते हैं। तो अब इस प्रकार से किसी भी फाइल को दिखाने के कारण अब प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना आसान हो गया, पिक्चर उसकी आने लगी प्रोडक्ट की, वीडियो में वो प्रोडक्ट दिखाया जाने लगा, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके कि ये प्रोडक्ट ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसके कारण ई कॉमर्स और तेजी से आगे बढ़ने लगा। आजकल के व्यवसायी ई कॉमर्स तकनीक का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में करके विश्व में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निम्नलिखित चित्र में ई कॉमर्स की सर्विस को प्रोसेस को चित्रित किया गया है। ई कॉमर्स के द्वारा आज हर कोई चाह रहा है कि उसका व्यवसाय जो है चालू हो जाए, क्योंकि उसमें लगातार एक व्यापारी को अपने दुकान में कस्टमर को नहीं फेस करना पड़ता। बस एक बार वेबसाइट बना दी, लोग सर्च कर रहे हैं, लोग प्रोडक्ट को जो है खरीद रहे हैं, आपने कर्मचारी लगा दिए, वो उनको पैक करके उनको सेल कर रहे हैं, आपको केवल प्रॉफिट जो है वो मिलते जा रहा है। इसी कारण लोग आज इसकी तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में ई कॉमर्स सर्विस प्रोसेसिंग क्या है, अगर आपको पूरी प्रोसेस समझना है ई कॉमर्स की, इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि ई कॉमर्स में किस तरीके से काम होता है। तो ई कॉमर्स में देखिए, ये यूजर है, ठीक, जो खरीद रहा है प्रोडक्ट, उसने वेबसाइट के माध्यम से कोई प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट सिलेक्शन किया, प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट में इकट्ठा किया, शॉपिंग कार्ट के बारे में हमने बताया आपको, एप्लीकेशन का ही वो भाग जहां पर प्रोडक्ट इकट्ठे होकर के दिखाई देते हैं और उनका टोटल दिखाई देता है, शॉपिंग कार्ट इकट्ठा किया और उसके बाद उसने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। जैसी पेमेंट सक्सेसफुल करेगा, एक ईमेल यूजर को जाएगा कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा और आपने इसकी इतनी पेमेंट की है। एक यूजर को जाएगा, किसको जाएगा, ईमेल यूजर को जाएगा, और एक ईमेल किसको जाएगा, मर्चेंट को जाएगा। मर्चेंट मतलब उस व्यापारी को जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए ईमेल किया गया, मतलब आपसे ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए ईमेल किया गया है। मर्चेंट मतलब व्यापारी और कस्टमर या यूजर मतलब जो खरीद रहा है। तो एक ईमेल किसको जाएगा, मर्चेंट को जाएगा, और एक ईमेल किसको जाएगा, यूजर को जाएगा। अब क्या होगा, जब मर्चेंट को जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी वेयर हाउस में। वेयर हाउस का मतलब होगा जहां प्रोडक्ट को इकट्ठा किया गया है। अब वो एक कंपनी का खुद का भी वेयर हाउस होता है जहां पर बार बार बिकने वाले वो प्रोडक्ट को इकट्ठा करता है, या तो वेयर हाउस मतलब जो तीसरे दुकानदार से जिस सामान को हमको खरीद के और उसको कस्टमर को भिजवाना है वहां पे भी वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस मतलब जहां प्रोडक्ट इकट्ठे किए गए हैं वहां से पैक होकर के प्रोडक्ट देखो बाई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहां तक पहुंच जाएगा, यूजर तक पहुंच जाएगा। यूजर मतलब जिसने ऑनलाइन शॉपिंग की हुई है, ठीक है। इसके लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, और वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद चाहे तो आप सर्च इंजन में जा सकते हैं या कोई वेबसाइट आपको मालूम है तो डायरेक्ट भी उसमें जा सकते हैं। यहां से अगर आप इस तरीके से सर्च करेंगे, देखिए लिस्ट ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट इन इंडिया, इंडिया की कौन कौन सी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे देखो ये आ गया 10 बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स, और फिर और देखिए और आ गया टॉप 50 ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आपको जिसमें जाना हो, मान लीजिए हम इसी लिंक में क्लिक करते हैं, ये हम आ गए, अभी देखते हैं हम टॉप 10 कौन कौन सी। देखिए bigcommerce.com, wix.com, ठीक है, evolution.com, woocommerce, weebly, 3dcart, ये सारी कौन सी हैं, ये सारी बेस्ट ई-कॉमर्स साइट्स हैं। और अगर आपको देखना है तो देखिए टॉप 50 ई-कॉमर्स वेबसाइट। इस तरीके से अपन क्या पता कर रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी ई-कॉमर्स की साइट्स हैं जिनके द्वारा कि इंडिया में व्यापार चल रहे हैं। देखो flipkart.com सबने नाम सुना है, infibeam.com, ठीक है, उसके बाद ebay.in, उसके बाद shopping.indiatimes.com, सबका काम एक सा ही है, थोड़ा थोड़ा इनने चेंजेस करे हैं, अपने फीचर्स को अलग से दिखाया है, किसी की कुछ अलग विशेषता है, किसी की कुछ अलग विशेषता है। futurebazaar.com, homeshop18.com, इसका तो आपको टीवी में चैनल भी दिखता है जिसमें कि वो पूरा वीडियो की तरह एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट बेचते हैं, उन्हीं की ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट से ही मंगा सकते हो या डायरेक्ट फोन करके भी मंगा सकते हो। तो टीवी के माध्यम से भी किया जाता है आजकल ये, है ना, ye.com, universal.com, ये देखो टॉप 50 नाम दिए गए हैं इसी तरीके से।
ये टॉप 50 नाम दिए गए हैं। ऐसे करके हम सर्च करके ये देख सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी ई कॉमर्स की जो है वेबसाइट्स चल रही हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और वेबसाइट जैसे सर्च करना, जैसे अमेजन आपको दिखाते हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट है। हमने अमेजन को ओपन कर दिया, उसके बाद हमने क्लिक किया, ये देखो पहली लिंक में क्लिक कर दिया हमने यहाँ पर। अब अमेजन की साइट में आप देख सकते हैं, देखिए ये अमेजन की साइट है, यहाँ पर आपका टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है जहां पर आप जाके सर्च कर सकते हो। इसने देखो ऑटोमेटिक लोकेशन सर्च कर ली। इनका सॉफ्टवेयर दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है, ताकि यूजर्स को सर्च करने में प्रोडक्ट को और आसानी हो। ऑटोमेटिक ये आ गया, यहां तक कि आप अगर किसी चीज को सर्च करते हैं गूगल में तो आपके उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो ऑटोमेटिक इस पेज में वैसे ही प्रोडक्ट देगा जैसा जिसमें आपको इंटरेस्ट है या कभी आपने जैसे प्रोडक्ट ढूंढे हुए हैं। इतना स्मार्ट इनका एप्लीकेशन होते जा रहे हैं। देखो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लाइन से जो है दिए गए हैं। इनकी कैटेगरी भी देखो, ये देखो कैटेगरीज, सबके अंदर कुछ ना कुछ कैटेगरीज दी गई है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, ये देखिए टीवी मोबाइल कंप्यूटर से में अगर आप जाएंगे तो ऑल मोबाइल फोन में क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे मोबाइल फोन्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फिर आपको अगर कोई पर्टिकुलर मोबाइल फोन सर्च करना है तो उससे रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा। देखो सारे मोबाइल फोन के यहाँ पर डिटेल आ गई, मोबाइल बाय प्राइस आ गया, और आपको जाना है इस पर क्लिक करना है तो और आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो और इससे रिलेटेड मोबाइल आ जाएंगे। साइड में देखिए ये आपको कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चाहिए, एंड्रॉइड वाला चाहिए, एंड्रॉइड में क्लिक कर दो केवल एंड्रॉइड वाला आ जाएगा। इंटरनल मेमोरी कितनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, स्क्रीन साइज कितनी होनी चाहिए, मतलब फिल्टर कर सकते हैं। कलर कैसा पसंद है आपको, उस जैसा जैसा आप फिल्टर करते जाओगे बिल्कुल वैसे ही मोबाइल आपके सामने आते जाएंगे। तो आपको जैसा पसंद है वो वेबसाइट में आप ज्यादा अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं, जितना आपको दुकान में जाकर के नहीं मिलेगा। किसी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर क्लिक करेंगे तो देखो उसकी इमेज अलग अलग प्रकार से, इमेज ये फ्रंट इमेज, बैक इमेज, साइड में कैसा दिखता है, साइड में क्या क्या चीजें हैं, इस तरीके से इमेज दिखाई देंगी। एमआरपी यहाँ पर दिखाई देगी इसकी, ठीक है, इससे रिलेटेड 13 MP प्राइमरी कैमरा विथ 5 mm लेंस। ये देखो जब आप दुकान में जाएंगे तो बॉक्स में देखेंगे तभी आपको वो चीज दिखाई देगी, लेकिन इसमें क्या चीज दिखाई दे रही है, प्राइस भी यहाँ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर फीचर क्या क्या दिए गए हैं, उससे रिलेटेड चीज भी आपको दिखाई दे रही है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। तो सारी चीजें आप बड़े आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको उसको खरीदना है तो बाय नाउ में आप क्लिक कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो क्रिएट योर अमेजन अकाउंट कर लीजिए, अगर यूजर नेम पासवर्ड है तो लॉग इन कर लो, लॉग इन करने के बाद एड्रेस वगैरह डाल दो, अगर पेमेंट करना है तो इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड से पेमेंट कर दो, या आपके घर में वो प्रोडक्ट आएगा तब आप पैसे देना, उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके परचेज करना है। तो इस तरीके से इंडिया में बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जिसमें से कि एक पॉपुलर वेबसाइट के नाम के बारे में हमने बताया। आप प्रैक्टिकली और भी साइट्स को सर्च कर लेना, फ्लिपकार्ट को, अमेजन को, स्नैपडील को, इन सबको ओपन कर करके देखना कि किसमें क्या डिफरेंस आ रहा है और कैसे ये प्रोडक्ट को जो है सेल करते हैं, और खूब अपने मनपसंद सारे प्रोडक्ट आप सेल करिए, देखिए आखिरी तक शॉपिंग कार्ट तक जाइए, है ना, एक पूरा प्रैक्टिकल करो कि किस तरीके से ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट अपन खरीद सकते हैं। यहां पर हम सारे